एक्सीडेंट हुआ है, ये कैसे एक्सीडेंट हो गया सर, क्या कारण रहा? ये फ्लिप की गाड़ी जा रही थी तो कहीं किसी कारणवश कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसके कारण वो गाड़ी स्लिप हुई और एक्सीडेंट हुआ है। अभी और मामी पता कर रहे हैं कैसे हुआ। अभी कुछ लोग चोटें लगी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, बाकी रास्ता साफ कराया गया और बाकी और हम लोग इसको पता कर रहे हैं कैसे हुआ एक्सीडेंट क्या। सर ये जो यहाँ के लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई, जो बीच रोड पे एक डॉग आ गया, डॉग को बचाने के चक्कर में शायद इस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया जिसमें डॉग पहले खत्म हो चुका, दो मिनट का समय मिला था, वो डॉग हटाया जा सकता, जो सबसे बड़ा प्रश्न जो लग रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर, जो यहाँ के लोगों से जानकारी जुटी है उसका कितनी सच्चाई सर इस बात में? हम देखेंगे इसका पता करेंगे इसके बारे में पता करेंगे। वैसे सर यहाँ पे कितने लोग लगभग घायल हो गए, कोई मृत वगैरह कोई सूचना है? नहीं, अभी करीब 14-15 लोगों के घायल होने की सूचना है, बाकी अभी ठीक है, सब लोग के हाल ठीक बताया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी भी हैं क्या इसमें घायल में? हाँ, काफी सारे पुलिसकर्मी भी हैं। अब बाकी मैं पूरी चीज बता के देख के बता पाऊंगा, अभी शॉर्ट द टाइम की मैं सारी चीज बता पाऊंगा। ठीक है जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो यहाँ पे सर थे जिनसे मैं भी यहाँ पे जानकारी ले रहा था, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में जो पीछे से गाड़ी आई, जो जिसके बाद में यहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है और यहाँ पे उपस्थित लगभग 10-15 लोगों की पुष्टि यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी भी कर रहे हैं। अब हम आपको उस जगह पे ले चल रहे हैं जहाँ पे वो डॉग जो है मेरे रास्ते पे पड़ा हुआ था, भी आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जो है आला अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इधर से भी गुजर रहा था, यहीं पास में ही एक डॉग जो है बीच रास्ते में गुजर रहा था जो कि स्कोर्ट की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको अगर समय रहते हटा दिया गया होता शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और ये मामूली घटना नहीं है, ये आदित्यनाथ योगी जी इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये आपको बता दें हजरतगंज से जो है ये अहिमामऊ की ओर रास्ता जाता है, अहिमामऊ से होते हुए ये जो है हजरतगंज की तरफ जो है आदित्यनाथ योगी जी का काफिला जा रहा था। वहीं आप ये देखेंगे ये वही जगह है जहाँ पे जो है इस कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ है। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मृत जो ये कुत्ता है, इस कुत्ते को जो है ये कुत्ता जो है बीच रास्ते से क्रॉस कर रहा था, वहीं आदित्यनाथ योगी जी की जो है काफिले में जो सबसे आगे गाड़ी चलती है उस काफिले में सबसे आगे वाली गाड़ी से पहले इस कुत्ते का एक्सीडेंट होता है, उसके पीछे से लगभग 2 या 3 मिनट के बाद में आदित्यनाथ योगी जी का काफिला गुजरता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मी जो इस कुत्ते को मृत कुत्ते को वहां से साइड कर सकते थे, हटा सकते थे, लेकिन उसे नहीं हटाया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट में जो है लगभग बताया जा रहा है 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अगर मान लीजिए इतने बड़े अगर लापरवाही अगर 2 से 3 मिनट जो कि स्कोर्ट जो है पुलिस प्रशासन इसलिए तैनात किया जाता है ताकि जो है वहां पे अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी है उसको देखते हुए तुरंत सेफ्टी की दृष्टि से कर दी जाती है, ट्रैफिक जाम करा दिया जाता है, जगह जगह पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना का जो है हो जाना कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर, उनके कारनामों के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, उनके जो है सेफ्टी की दृष्टि से कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो ये वही डॉग है जिसको जो है अगर समय रहते हटा दिया जाता तो शायद ये जो आपको मैंने अभी दिखाया जो आगे स्कोर्ट की गाड़ी वहां जाके टकराई, वो पहले टकराई उसके बाद में थी दूसरी गाड़ी टकराई है, इतनी बड़ी घटना तो नहीं घटती, ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल आगे की अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी के जो आला अधिकारी उनसे मैं थोड़ा बात करता हूँ, उनसे थोड़ा सवाल पूछता कि इतनी बड़ी जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मान लेते हैं अगर मान लीजिए स्कोर्ट की गाड़ी के बाद में अगर मान लीजिए जिस गाड़ी में प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी का सवार होते और वहां पे जो हादसा हुआ उनकी गाड़ी के साथ हो जाता तो ये देश नहीं प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जो है न्यूज बन जाती, बहुत बड़ा हादसा बन जाता, क्यों दादा? हाँ बिल्कुल बन जाता। अगर मान लीजिए जो स्कोर्ट की गाड़ी के पीछे जो गाड़ी चलती उसमें अगर इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो मान लीजिए अगर इतना अगर समय रहते अगर इस डॉग को हटा दिया जाता तो ये बहुत बड़ी घटना होती। अगर 2 मिनट का समय जो मिला था उसमें अगर ये गाड़ी से जो है डॉग हटा दिया जाता तो क्या इतनी बड़ी घटना घटती भाई साहब? बहुत बड़ी घटना होगी, बिल्कुल नहीं घटती। इसमें कुछ इसमें प्रशासन के भी लापरवाही है जी, आते नहीं इतनी बड़ी लापरवाही है, बहुत ज्यादा, आज से नहीं कम से कम 5 साल से ये चल रहा है कि ये चौड़ी रोड बनाया जाए लेकिन फिर भी प्रशासन इसको नजरअंदाजी कर रही है, इसको कभी सीरियस नहीं लिया। अभी का बताइए अगर ये समय रहते इस डॉग को बीन रोड से हटा दिया जाता तो क्या इतनी बड़ी घटना घटती? आदित्यनाथ योगी जी का अगर इस गाड़ी से या इस कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट हो जाता, उनको अगर कुछ हो जाता तो ये देश के लिए प्रदेश के लिए कितनी बड़ी खबर बन जाती, कितनी बड़ी जो है ये हादसा हो जाता, बहुत बहुत शर्मनाक बात होती प्रदेश के लिए और ये चर्चा के विषय बन जाता। लेकिन फिर भी प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चौड़ी रोड बनाया जाए और इस पे फ्लाईओवर के खासतौर से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी चूक है, 2 मिनट का समय मिला था इस डॉग को हटाने के लिए, क्यों नहीं हटाया गया?
इसमें प्रशासन की पूरी चूक है, हर दो दो कदम पे प्रशासन के रहते हुए भी इतनी बड़ा लापरवाही हुआ, इसमें प्रशासन की ही दिक्कत है और प्रशासन के ही लापरवाही है इसमें पूरी। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप इसको? यहाँ पे 15 लोगों घायल बताए जा रहे हैं, दो गाड़ियां लगातार दो गाड़ियों से टकराते हैं, छोटे बच्चे हैं, और एक 6 साल का बच्चे है और बुरी तरह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई होगी। नहीं, 4 लोग तो एकदम सीरियस हैं, उनको कोई कहा नहीं जा सकता है, वो 4 लोग सीरियस है अभी, मतलब डॉक्टर ने घोषित नहीं किया है, लेकिन मेरे को जहां तक उम्मीद है कि 95% वो लोग सीरियस है, 5% हम भगवान से मनाते हैं कि वो सही सलामत बच जाए। एक लड़की 15-16 खत्म हो गई, 15-16 लड़की खत्म हो गई है, और जो लेडीज है दोनों पैर टूट गए उसके, और एक आदमी जो है उसका एक पैर टूटा है, पता नहीं लेबर है कहाँ का है वो साहब, एक लेबर का पैर टूटा है, वो गया है, ऐसा कह रहे हैं हम ले जाएंगे अस्पताल, अगर ले जाए कि न ले जाए मालूम नहीं।